नहीं जाना मेरे को ठीक है। पूड़ी है, सब्जी है, खिचड़ी, भंडारी का प्रसाद खा के देखते हैं कैसे। अबे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बैठा हूँ। तो गाइस ये जो बैठा हुआ है बगल में, तो ये इससे मैं बोल रहा हूँ कि चलो भाई भंडारा खाने। भंडारे खाने तो ये जा नहीं रहा है, माता काली ही माता की मंदिर, तो भाई मेरे को ही जाना पड़ेगा। चल ला बे, नहीं जाना मेरे को ठीक है बच्चा, मैं तो जा रहा हूँ। तो चलिए भाई चलते हैं, रेडी हो जाए, हम जा रहा हूँ। तो गाइस भाई आप लोगों ने देखा भाई, हमारे भाई कुंभ के मेले में हराया होगा, खोया होगा भाई। तो आप लोगों ने अभी देखा भाई, एडिटिंग कैसी लगी आप लोग को? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। और भाई आज हम लोग भाई जाने वाले हैं भाई कलेही माता मंदिर भाई भंडारा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पास भाई नवरात्रि के समय 9 दिन तक भंडारा लगा रहता है और भाई बहुत से लोग आते जाते रहते हैं भंडारा के लिए, भंडारा खाने के लिए। तो भाई हम भी आज जा रहे हैं, वो आप लोग को भी इस ब्लॉग में बताएंगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग पर। और भाई देखते चलिए कैसा क्या है, तो छोटा सा ब्लॉग रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो फुल वॉच करिए और लाइक करते चलना, ठीक है ना? चलिए चलते हैं। ओके, तो भाई हम लोग आ चुके हैं भाई वहीं पास जहाँ पास भंडारा हो रहा है, ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, काफ़ी ज़्यादा। चलते हैं अंदर देखते हैं, चलो अभी। तो गाइस अभी हमने भाई अंदर प्रवेश हो गए हैं और भंडारी के लिए भंडारी का प्रसाद खा के देखते हैं कैसा है, ठीक है? और आपको भी बताते हैं क्या क्या मिलता है भंडारे में। हल्ला हो रहा है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है भाई बहुत जगह से। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा पब्लिक बैठी हुई है। और भाई तो भाई सभी हम लोग भाई नीचे बैठे हुए हैं, देखो सभी लोग नीचे बैठ के खाते हैं, ये देखो। और वो बैठी हुई है भाभी सामने, रंग सवन्या। और भाई काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, मैंने आप लोग को जैसा कि क्या क्या रखा है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। देखो ये देखो, जैसे कि पूड़ी है, सब्जी है, खिचड़ी है, हलवा है, अचार है। भाई अब हम खाना स्टार्ट करते हैं भाई इसको, ठीक है? खा लिया जाए फिर उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? बताते हैं आपको और भी। तो गाइस भाई हम लोगों ने भाई खा लिया यहाँ का प्रसाद भाई भंडारे में, और काफ़ी अच्छा लगा। और आप लोग को तो बताया क्या क्या चीज़ यहाँ पास मिली है भाई भंडारे में, मतलब पूड़ी, हलवा, सब्जी, खिचड़ी, अचार, और सभी मतलब अच्छे तरीके से बिठाला जाता है, सभी को अच्छे तरीके से खिलाया जाता है। तो आप लोग भी भाई आ जाइए, अभी तो वक्त मतलब 2-3 दिन और बचे हैं, तो 2-3 दिन और खिलाया जाएगा, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पास, आओ बढ़िया से खाओ, सभी से प्यार से बात करते हैं, सभी मतलब चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि चिल्लाओ कि भाई ऐसा है कि देव ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, अभी ये चाहिए नहीं, वो खुद आएंगे आपको पूछेंगे कि भाई क्या चाहिए आपको, और चाहिए क्या चाहिए, पूरी चाहिए, जो भी चाहिए हो, तो आप लोग बता सकते हो। तो भाई इतना ही मैंने आप लोग को दिखाया, इतना ही आज का ब्लॉग रहा, और अब चलते हैं हम घर, ठीक है? तो चलिए तो गाइस हम चलते हैं भाई घर। और चाचा जी भी थे जो कि खिला रहे थे, सभी को बिठा रहे थे, वो भी एक न्यूज रिपोर्टर हैं भाई, उनका नाम हमको पता नहीं है, महाराज बोलते हैं उनको सभी लोग। तो भाई वो भी बड़े प्यार से भाई बिठाल के खिला रहे थे, और सबको बहुत से लोग आए, इतनी तो पब्लिक थी, आप लोग को दिखाई पब्लिक। तो चलिए घर चलते हैं, जैसा भी लगाओ ब्लॉग, तो आप लोग
भाई लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आज का हमारा इतना ही छोटा ब्लॉग रहा है। बाय बाय, लव यू।